आप लोगों ने मैटर की तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये है मैटर की फोर्थ स्टेट यानी प्लाज्मा। ये ना तो सॉलिड लिक्विड और ना ही गैस है। प्लाज्मा एनर्जी इतनी शक्तिशाली है कि एक ग्लास प्लाज्मा एनर्जी 98 क्वाड्रिलियन लीटर पेट्रोल के बराबर है। 98 क्वाड्रिलियन में 15 जीरोस होते हैं। इतने में आप पूरी दुनिया नहीं बल्कि पूरा सोलर सिस्टम घूम सकते हो। एक ग्लास प्लाज्मा एनर्जी में आप 183 क्विंटिलियन 50 वॉट के बल्ब जला सकते हो, वो भी एक साल तक। 183 क्विंटिलियन में 18 जीरोस होते हैं। इतने हमारी धरती में बल्ब भी नहीं होंगे। एक ग्लास प्लाज्मा को अगर कार में डाल के पेट्रोल की तरह यूज करें तो हम 59,400,000,000 किलोमीटर दूर अल्फा सेंचुरी तक जाके वापस आ सकते हैं, और ऐसा हम 250 बार कर सकते हैं। लेकिन प्लाज्मा बनता कैसे? दरअसल सूरज की सतह से 6,00,000 किलोमीटर अंदर, जहाँ का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे वहाँ के एटम्स बहुत तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं। इन एटम्स के इतनी तेजी से टकराने के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और यही फ्यूजन एनर्जी या फिर प्लाज्मा एनर्जी होती है। कई देशों के वैज्ञानिक धरती पर ही फ्यूजन रिएक्टर बना चुके हैं, और इन रिएक्टर्स में हाई स्पीड मैग्नेटिक फील्ड से एटम्स को फ्यूज किया जाता है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। अगर हम फ्यूजन एनर्जी को अचीव कर ले तो पूरी दुनिया एक जादुई रूप से बदल सकती है। इसी तरह की वीडियोस के लिए फॉलो करें।